This is the view of Great Himalayas as seen from city of Pori in Uttarakhand. So we are in Devprayag back again, this time with my friend Pankaj. And we are going to Pori, and from Pori we're gonna go to Thalisand. So we're documenting this. To be honest, Pori was one of the first places that I got to hear about other than my hometown. So when the opportunity to go there arrived, I couldn't say no. So right now we're in Tehri, and as soon as we'll cross this bridge, we'll be in Pori. And as you can see, beautiful Alaknanda here. Just after crossing this bridge, we have reached inside Pori. District, I mean, not the city. जो कि यहाँ से मेरे ख्याल से 38 से 40 किलोमीटर हो गए हैं हमें देवप्रयाग से निकले हुए, और आज थोड़ी हिली वेजिटेशन आ गई है यहाँ पे. एज यू कैन सी गुरुदौरी इज 19 किलोमीटर एंड पोटू का फाल 35 किलोमीटर. तो हम बीच में इस समय somewhere between Pori and Devprayag. So guys, यहाँ से हमें bird's eye view मिल रहा है. I don't know which place is this, but बहुत ही अच्छा view है. And that place over there, that small township or whatever that is Devprayag. Our journey continues through the beautiful hill roads of Pori. पहुँच चुके हैं चपरौली में guys इस समय. When the capital of British Garhwal was transferred from Srinagar to Pori in 1840, it became a district. Gurdwari 10 km hai, and if you're from Uttarakhand, you know that Pori is famous for its engineering college. And till 1960, even Rudraprayag and Chamoli were its parts. बहुत दिनों पहले पंकज द्वारा एक बात बोली गई थी कि जो देहरादून की गायें बिल्कुल एक्टिव नहीं होती हैं, पर यहाँ देखिए गायें कितनी स्पीड स्लोप में घास चर रही हैं. और सामने देखिए ग्लोरियस हिमालयाज कितने बढ़िया लग रहे हैं. And look at the range, यहाँ पे कितना बढ़िया दिख रहा है. Like right from so we've reached Achri Khal. तो Pori आने ही वाला है, पर उससे पहले ये भुवनेश्वरी देवी का मंदिर है Achri Khal में. और यहाँ से Pori मेरे ख्याल से 4 या 5 किलोमीटर होगा. I need to wait a bit before I witness Pori, but till then it remains a mystical place. Pori यहाँ से 6 किलोमीटर है. एंड मैंने जब सबसे पहली बार Pori के बारे में सुना था तो अपने दोस्त गुट्टी राहुल भगुना से सुना था. उनका जो गांव था उसका नाम था चवत, जो कि खांडियू सैंड के पास पड़ता है. आई थिंक वी रीच खांडियू सैंड. मेरी बचपन से दिली इच्छा थी कि मैं खांडियू सैंड जाऊँ. और खांडियू सैंड, खांडियू सैंड पर्यटन क्षेत्र Pori आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है. और देखिए खांडियू सैंड के पास ही जिला कारागार Pori भी है. आई वॉन्टेड टू गो टू चवत ऑल्सो, बट वो थोड़ी दूर है. दूर है भाई, कितनी नीचे होगा यहाँ से चवत. चले क्या भाई, पंकज ने मना कर दिया. और देखिए गाइस यहाँ पे जिला कारागार है Pori की. फीलिंग वेरी यू नो हैप्पी, बचपन की इच्छा पूरी होगी खांडियू सैंड देख लिया आज. अरे यहाँ से मुझे वो घास पकड़ के चलने वाला रास्ता तो दिख नहीं रहा भाई. गुट्टी सबसे बढ़िया नेमार है, और एम्बापे मैच सबसे बढ़िया है ना. और वो मोहम्मद सलाह ये देखिए खांडियू सैंड की बाजार, खांडियू सैंड Pori गढ़वाल. माय फेवरेट प्लेस Pori गढ़वाल इज खांडियू सैंड. एज यू कैन सी मैजेस्टिक हिमालयस इन फ्रंट ऑफ अस, इतने सुंदर लग रहे हैं गाइस. गढ़वाल मुख्यालय Pori आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है. जी हाँ गाइस, गढ़वाल का मुख्यालय Pori है, देहरादून में है. एंड गाइस एज यू कैन सी फोटो सेशन हैपनिंग. UK07 की गाड़ी और फोटो सेशन हो रहा है. कोटद्वार के लिए सीधे जाना है, रामनगर के लिए सीधे जाना है, और श्रीनगर के लिए थोड़ा राइट में ले लेना है. सही जा रहे ना. एंड गाइस लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज लुकिंग. एंड गाइस लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज लुकिंग. हाँ नया बस अड्डा Pori का. हे गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं Pori में. So after much ado, I had finally reached Pori. My next stop would be Pankaj's cousin's Narinder's place. Super. यहाँ बहुत सर्दी हो रही है, और पंकज ने बताया था कि Pori जो है सूरज की उल्टी दिशा में बसा हुआ है, तो वहाँ पे हमेशा छाया ही रहती है और बहुत ठंड रहती है, तो वैसे ही दिख रहा है. और गाइस हम यमुनोत्री ऐसी गलती नहीं करेंगे,
तो पहले पेट्रोल भरा लेंगे बिकॉज मुझे पता चला है कि थली सैन में पेट्रोल पंप्स नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड डीएवी कॉलेज मॉल रोड पौड़ी गढ़वाल। यहाँ पे भी खुदाई चल रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पूरे पहाड़ में विकास का काम तेजी से चल रहा है। नदी बहुत ज़्यादा हो रही है यार सीरियसली, और मुझे भी अब यही लग रहा है पंकज की बातों से कि उल्टी दिशा में ही बस रखा है। If you visit Pauri in November, do bring warm clothes. What the fuck was that, man? That dog just scared me. Duma Court, 170, Ramnagar, 240. It was time for me to give my bullet some well-deserved rest because we had reached Pankaj's cousin's place. So, हम वही पहुंच चुके हैं Pauri में। मेरे साथ है Pankaj और हम वेट कर रहे हैं नरेंद्र के भाई, Pankaj के भाई की, नरेंद्र की, वो आ चुके हैं। और नरेंद्र भाई क्या हाल चाल? तो अब हम अपने गंतव्य स्थान की ओर चल रहे हैं और हमने बाइक लगा दी है वहाँ पे। प्लान ये है, वैसे तो हम चाहते हैं आज ही थली सैन चल जाएं, बट जो पौड़ी से थली सैन का रास्ता है वहाँ पे पाला पड़ रहता है, इसलिए हम कल सुबह जाएंगे। तो इन द मीन टाइम वी गोना एंजॉय एंड एक व्हाट्स हैपनिंग वी आर इन पौड़ी राइट नाउ, वी आर गोइंग आउट टू पौड़ी। But guys, this parka jacket, it's awesome, man. Yeah. So Vikas, whom you know from Srinagar vlog, had arrived and we went out for some shopping. Alcohol. Now we're almost in Pauri right now. So, abhi toh bahut badhiya hai, but guys, yaar thand bahut zyada hai. And it's like 5 degrees centigrade temperature hoga. Aur bahut badhiya tarike se lagi garam kar rahi hai. So that's awesome. Hello, bhai. Hello. You know from the Srinagar video, for a change, I'm sitting in the back of a bike. And it's really awesome because I don't have to exert myself too much. और बड़ा मज़ा आ रहा है, इट्स वेरी वेरी कोल्ड आउट हियर, पता ही नहीं हम जा कर रहे हैं, बट जो भी है लाइक बढ़िया है। तो भाई विकास भाई ने बोल दिया हम सर्किट हाउस जा रहे हैं, वो भी धारा रोड राइट नाउ, और हम ढूंढ रहे हैं नारंग की पेस्ट्री शॉप को बिकॉज हमें कहना है केक बॉमा सेट पंकज, तो चल रहे हैं पीछे, पता क्या था आधा किलोमीटर दूर है, बट लेट्स सी क्या होता है। नारंग की दुकान कहाँ पे? नारंग की दुकान नारंग, हाँ जी पेस्ट्री सीधे, हाँ जी हाँ जी। तो भाई जी ने बताया कि यहाँ से सीधे जाना है, मेरे ख्याल से यहाँ से 400-500 मीटर दूर होगी। भाई ठंड कैसी हो रही है? बहुत तेज हो रही है ये तो ठंड तो मैं तो पहन रखी डेकैथलॉन की, अरे तो यहाँ से देख रहे आप क्या पहन रखा मैंने पंखी क्या। तो भाई घोड़े घुल चुके हैं विकास के भी यहाँ पे, हाँ ये मत समझना कि पहाड़ी पर ठंडी लगती। तो कैसे हम पहुँच चुके हैं नारंग की शॉप में और भाई इतना गाड़ी लगा रहे हैं वहाँ पर चलते हैं। ये गाइस तो हम निकल चुके हैं नारंग की शॉप से, अब जा रहे हैं सीधे नदी भाई के पास।